आप भी निकल जाते हैं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। दिल्ली में हुए आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी के बाद बिहार को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। आपको बता दें कि बिहार के 13 जिलों को हाई अलर्ट करके रखा गया। इसी कड़ी में हम पटना जंक्शन पे, और यह नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरपीएफ की पुलिस है, पटना जंक्शन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डॉग स्क्वाड की टीम और बम स्क्वाड की टीम मौके पर जांच कर रही है, और हर एक वो व्यक्ति को जांच कर रही है जो प्लेटफॉर्म पे हैं, और रेल में के अंदर जो है उनको भी जांच किया जा रहा है। क्योंकि जो हाई अलर्ट किया गया उसमें साफ तौर पे अलर्ट करके रखा गया है कि कहीं भी किसी तरह का भी हादसा हो सके, उसको लेकर जो रेल पुलिस है वो काफ़ी संदिग्ध लोगों को पूछताछ करिए, और तब तक पूछताछ करिए जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए, तभी उसको छोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं, आइए उन्हीं से बात करते क्या कुछ कह रहे हैं। पटना जंक्शन पे लगातार, चूँकि ये बहुत अति महत्वपूर्ण स्टेशन है, इसलिए इस स्टेशन पर कई स्तर से हम लोग जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इसमें हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनुअल सर्विलांस का उपयोग करके पूरे स्टेशन परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कराई जाती है, संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग कराई जाती है। तमाम सीसीटीवी के साथ साथ नज़र रखने के साथ साथ स्निफर डॉग का प्रयोग करके, मेटल डिटेक्टर्स का प्रयोग करके, और बम डिटेक्शन स्क्वाड का प्रयोग करके हम लोग चेकिंग कराते हैं, और एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध में लगातार निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए, और जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजने की कार्रवाई करते हैं। इसमें कितने टीमें लग जाती हैं? इसमें अलग अलग तरह की टीमें हैं, जैसे टेक्निकल सर्विलांस की टीम है, वो लगातार तकनीकी माध्यम से हर जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके माध्यम से हर संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखती हैं। साथ ही साथ एक डॉग स्क्वाड की टीम है, वो डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जो है सभी संदिग्ध वस्तुओं, जहाँ जहाँ जो भी कोई पार्सल कंसाइनमेंट हो, व्हीकल्स हो, और उसके बाद कोई कमोडिटीज़ हो, कोई सस्पेक्टेड आर्टिकल्स हो, डस्टबिन हो, वेटिंग हॉल हो, ये सारी चीज़ों की कार डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग कराते हैं। साथ ही साथ अन्य कोई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को डिटेक्शन डिवाइसेस का प्रयोग करके हम लोग, और एक बम डिटेक्शन स्क्वाड होता है वो जीआरपी के हमारे पास उपलब्ध है, हम लोग उसके संयुक्त प्रयास से सहयोग से इस बीच चेकिंग करवाते हैं। तो आपने सुना, आरपीएफ इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पटना जंक्शन पे विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और हर समय चेकिंग किया जा रहा है, क्योंकि किसी तरह के संदिग्ध कोई व्यक्ति नज़र ना आए, अगर नज़र आते हैं तो उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाएगा। सहयोगी बंटी के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ पीआर पटना।